आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन को हिंदी में सूचना का अधिकार कहा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत वो राइट्स दिए गए हैं जो कि एक तरह से कॉमन पीपल को पावरफुल बनाते हैं। इस एक्ट के तहत कोई भी कॉमन पीपल किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मांग सकता है। हर एक नागरिक टैक्स का भुगतान करता है, इसलिए उसका ये पूरा अधिकार है कि वो इस बात को जाने कि उसके द्वारा पे किया गया टैक्स इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। इसलिए आरटीआई एक्ट के तहत हर एक नागरिक को सरकार से सवाल करने की छूट दी गई है। आरटीआई ने आम लोगों को मजबूत और जागरूक बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये कानून देश के सभी हिस्सों में लागू है। इस कानून के जरिए आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जानकारी ले सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम आरटीआई के बारे में बात करने वाले हैं कि आरटीआई क्या होती है, आरटीआई के क्या नियम हैं, आरटीआई कैसे फाइल की जाती है, आरटीआई के तहत आप किस किस डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किस डिपार्टमेंट से आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, आरटीआई की फीस क्या है, अगर आरटीआई में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद आपके पास क्या लीगल रेमेडीज हैं, ऑनलाइन आरटीआई फाइल कैसे की जाती है, इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कुछ लॉन्ग जा सकता है क्योंकि इस वीडियो में मैं आरटीआई से जुड़ी सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं। इस कानून का मकसद सरकारी महकमों की जवाबदेही तय करना और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाना है ताकि करप्शन पर रोक लगाई जा सके। ये अधिकार आपको ताकतवर बनाता है। इसके लिए सरकार ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन भी किया है। रूल नंबर 1, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम आदमी को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आपके बच्चों के स्कूल के टीचर अक्सर गैर हाजिर रहते हो, आपके आसपास की सड़कें खराब हालत में हो, सरकारी हॉस्पिटल्स या हेल्थ सेंटरों में डॉक्टर या दवाइयां ना हो, अफसर काम के नाम पर रिश्वत मांग रहे हो, या फिर राशन की दुकान पर राशन ना मिले, प्रधानमंत्री का खर्च, राष्ट्रपति भवन का खर्च वगैरह अगर आप जानना चाहते हो तो आप सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत ऐसी जानकारियां ले सकते हैं। रूल नंबर 2, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही इस कानून का फायदा ले सकते हैं। इसमें निगम, यूनियन, कंपनी वगैरह को सूचना देने का प्रोविजन नहीं है क्योंकि ये नागरिकों की डेफिनेशन में नहीं आते। अगर किसी निगम, यूनियन, कंपनी या एनजीओ का कर्मचारी या अधिकारी आरटीआई दाखिल करता है तो उसे सूचना दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उसने सूचना अपने नाम से मांगी हो, निगम या यूनियन के नाम पर ना मांगी हो। रूल नंबर 3, हर सरकारी महकमे में एक या ज्यादा अधिकारियों को जन सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी PIO के रूप में अपॉइंट करना जरूरी है। आम नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना को समय पर उपलब्ध कराना इन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। रूल नंबर 4, पब्लिक अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में मांग सकती है, जैसे कि डिस्क, टेप, वीडियो, लेटर वगैरह, लेकिन मांगी गई इंफॉर्मेशन उस रूप में ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए जिसमें पब्लिक डिमांड कर रही है। रूल नंबर 5, रिटेंशन पीरियड यानी जितने वक्त तक रिकॉर्ड सरकारी विभाग में रखने का प्रोविजन है उतने ही वक्त तक की सूचनाएं मांगी जा सकती है। रूल नंबर 6, आरटीआई से इंफॉर्मेशन लेने के लिए ₹10 फीस रखी गई है, लेकिन अगर आप BPL परिवार से हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा, बस आपको अपने BPL कार्ड की फोटोकॉपी RTI एप्लीकेशन के साथ देनी होगी। रूल नंबर 7, RTI की फीस कैश, डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर द्वारा दी जा सकती है। डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर डिपार्टमेंट के अकाउंट ऑफिसर के नाम भेजा जाता है। अगर आप ऑनलाइन RTI फाइल करते हैं तो फीस ऑनलाइन ही पे करनी होगी। रूल नंबर 8, RTI के अंतर्गत मांगी गई इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने के लिए 30 दिनों का फिक्स टाइम दिया जाता है। अगर इंफॉर्मेशन पहुंचने में 30 दिन से ज्यादा का समय लगे तो आप केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से अपील भी कर सकते हैं। रूल नंबर 9, 30 दिनों से ज्यादा टाइम हो जाने के बाद अगर आपसे दोबारा फीस और डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाए तो आप उसके लिए भी अपील कर सकते हैं क्योंकि 30 दिन के बाद आपको बिना फीस के सारी इंफॉर्मेशन दी जानी है। रूल नंबर 10, RTI के दायरे में आने वाले सभी डिपार्टमेंट से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का दफ्तर, संसद और विधानमंडल, चुनाव आयोग, सभी अदालतें, तमाम सरकारी दफ्तर, सभी सरकारी बैंक्स, सारे सरकारी हॉस्पिटल्स, पुलिस डिपार्टमेंट्स, सेना के तीनों अंग यानी जल, थल और वायु सेना, PSU, सरकारी बीमा कंपनियां, सरकारी फोन कंपनियां, सरकार से फंडिंग पाने वाले NGO, स्कूल कॉलेज,
सरकारी सहायता लेने वाले प्राइवेट स्कूल भी इसके दायरे में आते हैं। सरकारी सहायता नहीं लेने वाले स्कूलों पर ये कानून लागू नहीं होता है, लेकिन शिक्षा विभाग के जरिए उनकी जानकारी भी ली जा सकती है। कॉलेजों के मामले में भी यही नियम लागू होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि RTI एक्ट किन पर लागू नहीं होता है, यानी कौन सी जानकारियां आप RTI के तहत नहीं ले सकते हैं। तीन तरह की ऐसी जानकारियां हैं जो आप RTI के तहत नहीं ले सकते हैं। किसी भी खुफिया एजेंसी की वैसी जानकारियां जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो, आप उसको RTI के तहत नहीं ले सकते हैं। दूसरे देशों के साथ भारत से जो जुड़े हुए मामले हैं, उनकी जानकारी भी आप RTI के तहत नहीं ले सकते हैं। थर्ड पार्टी यानी प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी हुई जो जानकारियां है, वो भी आप RTI के तहत नहीं ले सकते हैं। लेकिन सरकार के पास इन प्राइवेट सेक्टर्स की जो भी जानकारियां है, वो आप इनसे संबंधित सरकारी विभाग के जरिए हासिल कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि RTI एप्लीकेशन लिखी कैसे जाती है। सूचना पाने के लिए कोई भी तय परफॉर्मा नहीं है। सादे कागज पर हाथ से लिखकर या फिर टाइप कराकर 10 रुपए की तय फीस के साथ अपनी एप्लीकेशन संबंधित अधिकारी के पास किसी भी रूप में खुद या फिर डाक के द्वारा आप जमा कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी RTI फाइल कर सकते हैं। आप हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी भी लोकल लैंग्वेज में एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको लिखना चाहिए कि आपको क्या सूचना चाहिए और कितने टाइम पीरियड की सूचना चाहिए। आवेदक को सूचना मांगने के लिए कोई वजह या फिर पर्सनल ब्यौरा देने की कोई जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ अपना पता देना होगा, फोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं है। लेकिन नंबर देने से सूचना देने वाला विभाग आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, इसलिए नंबर दे देना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि मुझे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD से मेरे घर के आगे से गुजरने वाली रोड के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, क्योंकि वो बनाने के कुछ समय के बाद ही उखड़ गई है, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, सेवा में जन सूचना अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग गुड़गांव हरियाणा, विषय सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन, महोदय सेक्टर 32 में मदर डेयरी के सामने से गुजरने वाली 850 मीटर की रोड के बारे में ये जानकारी दे कि इस रोड के निर्माण में कितना खर्चा विभाग के द्वारा किया गया है, रोड के निर्माण और रखरखाव के लिए किन शर्तों पर ठेकेदार को चुना गया है, सड़क के निर्माण के लिए निर्माण सामग्री यानी कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल को किन मानकों पर खरीदा गया और किस कंपनी से खरीदा गया, सड़क निर्माण के कुछ समय के बाद ही उखड़ गई है तो इसके पीछे का क्या कारण है जो स्पष्ट किया जा सकता है, और अगर निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है तो दोषी लोगों पर कार्यवाही की जाने की क्या समय सीमा है। मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर या मनी ऑर्डर जो भी भेजना हो साथ में भेज रहा हूँ। कृपया सूचना का अधिकार एक्ट के अनुसार मुझे समय पर सूचना उपलब्ध कराई जाए। आवेदक ईशान सिद्दीकी, तारीख 30/1/2018, पता 124 ब्लॉक डी, DLF फेज 3, सेक्टर 32, गुड़गांव हरियाणा। तो इस तरह से आपको ये RTI के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। चलिए अब बात करते हैं कि RTI के तहत इंफॉर्मेशन देने से कब इनकार किया जा सकता है। कुछ खास हालात में ही जन सूचना अधिकारी आपकी एप्लीकेशन लेने से इनकार कर सकता है, जैसे कि अगर एप्लीकेशन किसी दूसरे जन सूचना अधिकारी या फिर पब्लिक अथॉरिटी के नाम से हो, या अगर आप ठीक तरह से सही फीस का भुगतान न कर पाए हो, या अगर आप गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के मेंबर के रूप में फीस से छूट मांग रहे हैं लेकिन इससे जुड़े सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आप नहीं दे पाए हैं, या फिर अगर कोई खास सूचना दिए जाने से सरकारी विभाग के संसाधनों यानी रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल होने की आशंका हो, या फिर इससे रिकॉर्ड्स को देखने में किसी नुकसान की आशंका हो, तो फिर अधिकारी आपको RTI के तहत इंफॉर्मेशन देने से मना भी कर सकता है। अगर RTI को जनसूचना अधिकारी रिजेक्ट कर देता है तो भी आवेदक को कुछ सूचनाएं वो जरूर देगा, जैसे कि रिजेक्शन की वजह, उस टाइम पीरियड की जानकारी जिसमें रिजेक्शन के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है, उस अधिकारी का नाम और पता जिसके यहाँ इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। अगर कोई अधिकारी आपको सूचना देने से मना करता है या फिर जानबूझकर देरी करता है या फिर फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश करता है तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। ऐसा करने पर संबंधित अधिकारी पर रोजाना के हिसाब से 250 रुपए के अनुसार 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं RTI के इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में कि RTI एक्ट 2005 में कौन कौन से सेक्शंस इम्पोर्टेंट हैं। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि आपको एप्लीकेशन कैसे देनी है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर आपका आवेदन किसी गलत डिपार्टमेंट में चला जाता है तो वो डिपार्टमेंट उसको सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत सही विभाग में 5 दिन के अंदर अंदर भेज देगा।
सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि बीपीएल कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नहीं देना होता। सेक्शन 7 सबसेक्शन 6 इसमें बताया गया है कि अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो फिर आपको आरटीआई के तहत सूचना फ्री में दी जाएगी। सेक्शन 8 में बताया गया है कि आरटीआई में वो सूचना नहीं दी जाएगी जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो या फिर विभाग की अंदरूनी जांच को प्रभावित करती हो। सेक्शन 18 में बताया गया है कि अगर कोई अधिकारी जवाब नहीं देता है तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जानी चाहिए। सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि अगर आपकी आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो इस सेक्शन के अनुसार आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर आपकी प्रथम अपील का जवाब नहीं आता है तो आप इस सेक्शन की मदद से 90 दिन के अंदर अंदर अपील अधिकारी को दूसरी अपील कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन आरटीआई कैसे फाइल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना होगा rtionline.gov.in। ये वेबसाइट टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस शो होंगी, आपको इन गाइडलाइंस को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से इन गाइडलाइंस को एक्सेप्ट करना है और सिंपली यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म शो होता है, आपको इसी फॉर्म को फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट चूज करने का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको सारे डिपार्टमेंट्स और सारी मिनिस्ट्रीज यहाँ पर शो होंगी। आप जिस डिपार्टमेंट से भी आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से चूज करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अथॉरिटी आपको चूज करनी होगी कि आप कौन सी अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। सेंट्रल रेलवे है, यहाँ पर सारी अथॉरिटीज आपको शो हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ईस्टर्न रेलवे से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ ईस्टर्न रेलवे पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम देना होगा। नेम देने के बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर चूज करना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। नीचे आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज करना है। नीचे यहाँ पर आपसे स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप शहरी हैं या ग्रामीण हैं, आप यहाँ से चूज करेंगे। यहाँ पर आपसे एजुकेशनल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं, आप यहाँ से चूज करेंगे, अपनी एजुकेशन चूज करेंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, इस पर जो SMS अलर्ट है वो आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, यानी क्या आप गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर आप इसको यस करेंगे तो यहाँ आपको अपना BPL कार्ड नंबर देना होगा, कार्ड इशू डेट देनी होगी और इशूइंग अथॉरिटी देनी होगी। इससे क्या होगा कि इससे आपको RTI की कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है तो फिर आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको पूरा एक बॉक्स मिल जाता है। इस बॉक्स में आपको अपनी एप्लीकेशन टाइप करनी है। इस डिपार्टमेंट से आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो आप पॉइंट में करके यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक पेस्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी एप्लीकेशन मैंने वर्ड में पहले से ही लिख के रखी हुई है, उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई फाइल अपलोड भी कर सकते हैं। आपकी फाइल PDF फॉर्मेट में और 1 MB साइज से कम होनी चाहिए। यहाँ पर उसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है और सिंपली आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं और आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ 10 रुपये पे करने होंगे। आप जैसे भी चाहें वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड या ATM कार्ड है तो आप सिंपली इसको चूज करेंगे। यहाँ पर आपको पे पर क्लिक करना है। जैसे आप पेपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपना कार्ड टाइप चूज करना है, क्या आपके पास रुपए कार्ड है, मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है। यहाँ से आप ये चूज करेंगे, अपना कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, यहाँ से CVV नंबर डालेंगे, अपना जो कार्ड के ऊपर नाम है वो डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 रुपये का पेमेंट होगा। यहाँ आपको ये कैप्चा कोड फिल करके पेपर क्लिक कर देना है। जैसे आप पेपर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक OTP आएगा, आपको वो OTP डालना है और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ही आपके पास एक SMS आ जाएगा कि जो आपकी RTI एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर 30 दिन के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है तो फिर आपको फ्री में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए आप फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील कर सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं अपील के अधिकार के बारे में, यानी अगर आपकी आरटीआई की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आपको कहां और कैसे अपील करना है। अगर अप्लीकेंट को तय समय सीमा में सूचना मुहैया नहीं कराई जाती है या फिर जो सूचना दी गई है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने अपील कर सकता है। पीआईओ की तरह प्रथम अपीलीय अधिकारी भी उसी विभाग में बैठता है जिससे संबंधित जानकारी आपको चाहिए। प्रथम अपील के लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। अपनी एप्लीकेशन के साथ जनसूचना अधिकारी के जवाब और अपनी पहली एप्लीकेशन के साथ साथ ही एप्लीकेशन से जुड़े दूसरे डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना होता है। ऐसी अपील सूचना उपलब्ध कराए जाने की समय सीमा के खत्म होने या फिर जनसूचना अधिकारी का जवाब मिलने की तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर की जा सकती है। अपीलीय अधिकारी को अपील मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर या खास मामलों में 45 दिन के अंदर अंदर अपील का निपटान करना जरूरी होता है। चलिए बात करते हैं कि अगर आपकी पहली अपील पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो आपको दूसरी अपील कब और कहां करनी है। अगर आपको पहली अपील दाखिल करने के 45 दिन के अंदर अंदर कोई जवाब नहीं मिलता है या फिर जो जवाब मिला है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप 45 दिन के अंदर अंदर राज्य सरकार की पब्लिक अथॉरिटी के लिए उस राज्य के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से या फिर केंद्रीय प्राधिकरण के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास दूसरी अपील आप दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली के लोग दूसरी अपील सीधे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में ही कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आरटीआई क्या होती है, आरटीआई के रूल्स क्या हैं, आरटीआई कैसे फाइल की जाती है, आरटीआई की फीस क्या है, अगर आरटीआई के तहत आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आरटीआई कैसे फाइल की जाती है, तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपने जानी है। अगर आपकी वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।